महात्मा ज्योतिबा फुले योग हॉल शिवाजी चौक सिडको येथे शिवसेना वाहतूक सेना सचिव इंद्रपाल सिंग मारवा यांच्या उपस्थितीत नाशिक जिल्हा कार्यकर्ता मेळाव्याचे आयोजन करण्यात आले होते. या कार्यक्रमाचे आयोजन जिल्हा प्रमुख स्वप्नील पांगरे यांनी केले. प्रारंभी मान्यवरांचा सत्कार करण्यात आला. व्यासपीठावर सचिव शिवसेना वाहतूक सेना इंद्रपाल सिंग मारवा, जिल्हा प्रमुख वाहतूक सेना स्वप्नील पांगरे, बापू ताकाटे, अमोल शेळके, अमित अरोरा, मनोज उदावंत, नाना पाटील, नरेंद्र पाटील आदी उपस्थित होते. यावेळी इंद्रपाल सिंग मारवा यांनी कार्यकर्त्यांशी संवाद साधला. तसेच वाहतूक सेना सचिव इंद्रपाल सिंग मारवा यांनी वाहतूक सेनेच्या विविध अडचणींसंदर्भात वाहतूक अधिकारी यांची भेट घेणार असल्याचेही सांगितले. आज की मीटिंग नाशिक जिल्ह्यामध्ये थी. जो खासकर जो चालक मालक ट्रांसपोर्टर है उनको बहुत परेशानी हो रही है, जैसे कि ट्रैफिक पुलिस से, आरटीओ से. तो आज जो भी यहाँ पे मीटिंग हुई, सभा हुई, उसमें हमारे जो जिला अध्यक्ष हैं सुप्रीम जी, बापू, अन्ना पाटिल जी, मनोज जी, हमारे महाराष्ट्र के राज्य के उपाध्यक्ष नरेंद्र पाटिल साहब, हमारी टीम, तो हमने सब ने निर्णय ले लिया. अभी आने वाले 10 दिनों के अंदर हम आरटीओ कमिश्नर, सिटी पुलिस कमिश्नर और ट्रैफिक कमिश्नर को मिलने वाले. जो यहाँ पे दादागिरी चल रही है पुलिस द्वारा या आरटीओ द्वारा, वो बंद होगी. शिवसेना औजड़ वातु सेना इसको बर्दाश्त नहीं करेगी. जितने हमारे ट्रांसपोर्टर हैं, शिवसेना औजड़ वातु सेना के कार्यकर्ता है, सबको इंसाफ मिलना चाहिए. ये जो धंधली गाड़ी पास कराने के लिए पैसा देना है, रास्ते में गाड़ी रोक के आरटीओ वाले पैसे मांगते हैं, वो सब नहीं चलेगा. और इसके ऊपर जो भी कार्रवाई होगी शिवसेना औजड़ वातु सेना कायदे से करेगी. जैसे कि बाहर की गाड़ी है, कलकत्ता से, दिल्ली से, गुजरात से आके यहाँ भरती है, वो भी डबल डबल एक गाड़ी तीन तीन गाड़ी का माल लेके जाती है. तो मेरी सब कंपनी वालों से और खासकर ब्रोकरों से, जो वहाँ पे जो गाड़ी भराते हैं एजेंट, उनसे रिक्वेस्ट है ऐसा ना करें. जो यहाँ के स्थानिक नासिक के लोग हैं, ट्रांसपोर्टर हैं, नासिक में भी ट्रांसपोर्ट बहुत बड़ी है, यहाँ भी काफ़ी ट्रांसपोर्ट रहते हैं जिनका, यहाँ पे एक एक आदमी का 20-25-25-40-40 ट्रक है. वो जो नासिक शहर में ही उन्होंने एक ट्रक से 40 ट्रक बनाए, जैसे हमारे अन्ना पाटिल साहब, ये पहले एक ट्रक था, आज यहाँ 40 ट्रक है. तो ऐसे काफ़ी लोग हैं यहाँ जो यहाँ बड़े बड़े ट्रांसपोर्टर हैं, वो यहाँ पे जब रहते हैं स्थानिक है, उनको भी यहाँ रोजी रोटी कमाने का हक है. बाहर से कोई आएगा, हम किसको मना नहीं कर रहे, पर पहला स्थानिक का है. और जो अगर आज के बाद डबल लोड अनलोड गाड़ी भर के जाएगी बाहर की, हम ये शिवसेना बर्दाश्त नहीं करेगी. उस पर कायदे से हम कार्रवाई करवाएंगे. अगर पुलिस कार्रवाई नहीं करती होगी, आरटीओ कार्रवाई नहीं करेगा, शिवसेना अपने स्टाइल में काम करेगी. जय हिंद, जय महाराष्ट्र. यावेळी पप्पू बिर्ला, मारुती काकड, अनिल नागरे, खरात बाबा, विनय भंडारी, सचिन आगळे, प्रवीण साबळे, दिगंबर भुवर, राहुल कुटे आदींसह बहुसंख्य कार्यकर्ते उपस्थित होते. नाशिक सिटी न्यूज साठी प्रतिनिधी सचिन दिवटे, सिडको.